इसी साल बनेगी धूम 4। धूम 4 में कौन सी एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ फिल्मों की सीरीज काफी हिट रही है और उनमें धूम का नाम भी आता है। यशराज फिल्म्स की इस सीरीज की अगली फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। यशराज भी इस साल अपनी कुछ बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चा में है और लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें धूम सीरीज की चौथी किश्त भी है। धूम सीरीज की फिल्में अपनी हॉलीवुड स्टाइल के एक्शन सीक्वेंस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। धूम सीरीज की पहली फिल्म में जॉन अब्राहम विलन बने थे, दूसरी में ऋतिक और तीसरी में आमिर। तो तभी से ऐसी चर्चाएं होती है कि आखिर धूम 4 में कौन होगा, क्योंकि जो इसका मेन पार्ट है वो विलन का ही होता है जो चोरी करता है। तो अब कहा जा रहा है कि एक फीमेल इसमें विलन होगी। इस बार यशराज ने कुछ हटके सोचा है और धूम 4 में करा दी है दीपिका पादुकोण की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन हाउस के बारे में बातचीत भी चल रही है और पता चला है कि दीपिका भी धूम 4 में विलन का किरदार करती हुई नजर आएंगी, साथ ही बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस करती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म को उन्होंने साइन किया है, लेकिन डेट्स अभी निकालनी पड़ेगी क्योंकि दीपिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी है। उन्होंने पठान साइन की है और उसका शूट अभी चल रहा है। इसके अलावा वो शकुन बत्रा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म में काम कर रही है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे नजर आने वाली है। साथ ही खबर है कि दीपिका ने प्रभास के साथ भी कई फिल्में साइन की है। तो दोस्तों, धूम 4 में इस बार आपको जो लीड है यानी कि विलन है वो कोई एक्ट्रेस दिखेगी और दीपिका इस फिल्म में है तो फिल्म में 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अभिषेक का रोल तो फिक्स होता ही है इस फिल्म में, अभिषेक बच्चन होंगे। बाकी उदय चोपड़ा का अभी कंफर्म नहीं है कि वो इस फिल्म में होंगे या नहीं होंगे। आपको कितना इंतजार है धूम 4 का, आप कितने एक्साइटेड हैं दीपिका को इस फिल्म में देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।